जो कि इज अगेन फेलिंग टू मेक हिज मार्क इन द टीम ऑफ आर्सल उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज फ्रॉम बार्सलोना बिकॉज बार्सा बहुत ज्यादा मूव कर रही है इस विंटर मार्केट में आफ्टर ऑलरेडी हैव साइंड

फिर उसके बाद से यहां पे रिपोर्ट थी कि डिलेट नाउ वॉन्ट्स टू तो ज्वाइन बारसा और एल्स मीनू रेवला ने भी कहा है कि डिलेट विल नाउ लुक टू मूव फ्रॉम तो एक न्यूज सोल्व करी थी इफ बारसा एबल टू तो सेल एंड तो उनके पास उतना फंड एंड वेज हो जाएगा जिसकी वजह से दैट दे कैन गो एंड साइन डिलिट बट डिलेट का वैल्यू इन प्राइस बहुत ज्यादा है तो जब तक कि वो प्राइस सही से डिफाइन नहीं हो जाता अराउंड एट्टी सेवेंटी मिलियन यूरो तब तक दे आई डोंट थिंक सो कि बारसा कैन साइन डिलिट लेट्स वेट एंड सी

एक्स बिकॉज एक्स ने टोटली उस बात को हटा दिया है बायन ऑल्सो वर रिपोर्टेडली क्लोज टू ग्री अ डील और टू साइन और टू वॉन्ट टू साइन डेस बट मुझे भी नहीं लगता कि वो न्यूज बहुत ज्यादा सॉलिड है बट यहां पर जो सॉलिड न्यूज है वो ये है कि टॉटेनम आर विलिंग टू लेट गो डेले आली ऑन लोन द ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड वॉन्ट्स टू मूव अवे बिकॉज उसको फॉर्म यहां पर फाइन नहीं कर पा रहा है एंड ऑल्सो न्यूज है कि मैट डोहर्ट ही माइट लीव ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर उसके बाद से टॉटेनम फैंस के लिए एक बहुत अच्छी एंड एक्साइटिंग न्यूज है कि टॉटेनम हैव अपूट इन फ्रैंक कैसी बिकॉज उनको पता है कि दे नीड इन समील्ड ठीक है तो फ्रैंक केसी के लिए दे हैव अप स्टेप इंटरेस्ट साथ ही साथ एसी मिलान इज नॉट एबल टू बाइंड हिम टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड केसी के लिए काफी सारी टीमें जो कि लगी हुई है विद विद लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यू नो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड कि कहां ज्वाइन करेगा ये बंदा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से वॉन्ट ही वॉन्ट बी साइनिंग एट एसी मिलान ठीक है दूसरी न्यूज यहां पर इंटरेस्टिंग है कि कार्विन फिलिप्स जो कि यूनाइटेड से लिंक थे नाउ वॉन्ट्स टू मतलब साइन द कॉन्ट्रैक्ट एट लीड्स एक्सटेंड करेगा वो बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो लेटमी को न्यूज बता रहा हूं काउंटर्स में देख सकते हो चल रही सारी न्यूज इफ यू वांट टू बी अवेयर ऑफ ऑल द न्यूज रिगार्डिंग ट्रांसफर्स वन फुटबॉल इज द बेस्ट प्लेस टू गो यू कैन डाउनलोड वन फुटबॉल ऐप बाय स्कैनिंग दिस क्यू कोड और हेडिंग इन टू डिस्क्रिप्शन एंड वहां पर लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं वन फुटबॉल एप्लीकेशन ओके एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज फॉर मैनचेस्टर फैन भाई साहब खुश हो सकते हो आप द बेस्ट टैलेंट इन फ्रांस इन मिडफील्ड पोजीशन बेस्ट यंगस्टर नो वी आर नॉट अबाउट चुआमिनी वी आर मार्सेल 22 ईयर ओल्ड प्रोडक्ट ऑफ मार्सेल ऑलरेडी डेढ़ सौ उनके हो चुके हैं ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन दोस एरियाज एंड उस पोजीशन पे एंड मैनचेस्टर कैन रियली मेक यूज ऑफ हिम बिकॉज आपको पता है कि अपग्रेड चाहिए फ्रॉम मैकफ्रेड सो दे आर लिटरली वॉन्टिंग टू साइन दिस गाय काफी चीप है काफी अफोर्डेबल है बंदे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में मार्शेल ने उसको एक मासिव कॉन्ट्रैक्ट दिया था प्रोबेबली बेस्ट इन द टीम बट उसने कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया बिकॉज ही इज ऑल्सो वॉटिंग मूव आउट एंड यूनाइटेड के फिर रूमर्स आने लगे थे तो ही इज थिंकिंग ओके मे बी आई कैन प्ले एट यूनाइटेड हु डजन वॉन्ट टू प्ले एट यूनाटेड बाई ऑल राइट तो ना लेट्स मूव फॉर दर एसी मिलान भी इस बंदे में इंटरेस्टेड है बिकॉज उनको पता है कि फ्रेंक कैसी के साथ दे आर नॉट एबल टू हैव दैट कंफर्ट इन इन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सो दे ऑल्सो लुकिंग एट बुबाकिर कमारा तो मे बी हो सकता है कि ए सी मिलान भी सुपिन करें एंड साथ ही साथ न्यूकासल यूनाइटेड भी यहाँ पे देख रही है कमारा की सिचुएशन बिकॉज आई डी हाउ वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिस थीम तो पॉसिबल है कि

ही इज प्लेइंग स्टाइल इज लाइक दैट एंड ही हैज बीन स्कोरिंग अ टन ऑफ गोल्स तो नाइटीन योर ओल्ड प्लेयर है इयानिस स्टोईका फ्रॉम द रोमेनियन लीग एन द टीम एफ सी एस बी एंड द गा हैज एवरेज वन गोल और अस इज पर सेवेंटी टू मिनट्स इन सेम स्टार्ट है यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि एक यंग प्लेयर आ रहा है तो बहुत सारी टीमें लगी होती हैं इसको साइन करने के लिए बट आर्सन हैव शोन इंटरेस्ट एंड यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि दे हैव गॉट बिड्स अराउंड 7.5 मिलियन यूरोज फॉर दिस गाय बट दे लुकिंग फॉर 10 मिलियन यूरोज तो, तो हो सकता है प्राइस हो सकता है कि फेक न्यूज भी वो बना रहे हो बट लिंक बहुत स्ट्रांग है आसल को एक स्ट्राइकर चाहिए एक विंगर चाहिए डेफिनेटली एंड दिस गाय कुट वन प्लेयर जो कि सूट करेगा उनका स्टाइल बिकॉज ही इज वेरी फ्लूइड इंड ड्रिबलिंग मोस्टली लेफ्ट विंग पे खेलता है राइट right विंग भी खेल सकता है इज नॉट अ स्ट्राइकर बाय द वे स्ट्राइकर नहीं है इज अंगर सो जस्ट रिमेंबर द नेम उसके बाद से एक बहुत बड़ी न्यूज है दैट रफीना इज़ ऑलमोस्ट अ डन डील टू बाइन मोनिक नाउ 55 मिलियन यूरोज़ की डील हो सकती है यहां पे रफीना के लिए अब सीन क्या है कॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट कोमान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ठीक है तो किंग्सले कोमान इज लाइक ही ही नीड्स टू बी अश्योर्ड कि वो बहुत वैल्यूड मेंबर है एट द क्लब बट वो हो नहीं पा रहा था बाइन से बट द प्रोफाइल ऑफ रफीना इज़ नॉट द प्रोफाइल दैट बाइन मोनिक वॉन्टेड बट इट्स गुड टू हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ अ प्लेयर बिकॉज वॉट रफीना वुड प्रोवाइड यू इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज ही इज एबल टू ब्रेक द लाइन्स इॉस क्रिएट करना इन द डिफेंस दिस गाय कैन डू हिज नॉट सो डायरेक्ट ही इज़ मच मोर इन्वॉल्व इन क्रिएशन तो सीन यहाँ पे है न्यूज़ कैसे स्टार्ट हुई कि टी एन टी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ब्रूनो फॉर्मीगा इन्होंने रिपोर्ट किया कि जो अकेडमी टीम थी यहाँ पे रफिया की दे हैव

ट्रांसफॉर मार्केट सबसे ज्यादा वीकेस्ट पे होगा तो पॉसिबली दिस इज द टाइम जहां पे मेक दिस मूव एंड नाउ सीन क्या है व्हाई दिस मूव इज काइंड ऑफ डूबियस बानमोनिक जैसे कि मैंने कहा कि प्लेयर प्रोफाइल नहीं सूट है बट गिवन द परफॉर्मेंस ऑफ किंग्सले कॉमन वो कह रहा है उसको स्टार्टर बनना है बट रफीनिया uh, क्या है बेस्ट फॉर बान बानमोनिक इज ई रेडी फॉर दैट स्टेप ऑन तो अब यहां पे सीन क्या है कि ब्राज़ील के एक एक्सपर्ट हैं फिलिपे सिल्वा उन्होंने बताया कि ये एक बंदा टोटली फ्लेयर काइंड ऑफ अ प्लेयर है बट उसके पास टैक्टिकल डिसिप्लिन की थोड़ी बहुत कमी है ही वुड बी गुड साइनिंग फॉर बायन मोनिक बट ही वुड बी गुड जब वो बेंच से आके इंपैक्ट करे एंड दैट्स एग्जैक्टली द प्लेयर दैट बायन इज लुकिंग फॉर बिकॉज सान एंड गराबरी स्टार्ट करेंगे एंड रफीना धीरे धीरे यू नो ही कैन मेक हिज मूव इन टू दिस टीम तो एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज यहाँ पे बायम मोनिक फैंस के लिए ओके यू कैन टेल मी कि आप कितने खुश हो विद दिस न्यूज़ देन वन ऑफ द लास्ट न्यूज है जीवेंस विल नॉट मेक द मूव लोन मूव ऑफ अल्वरो मोराटा पर्मानेंट एंड ही इज अप फॉर ग्रैप्स फॉर थर्टी मिलियन अब पता नहीं देखते हैं को क्या करती है इसके साथ बाय दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रांसफर राउंड अप आई होप यू लाइक द वीडियो अगर पसंद आया कोई मैंने न्यूज छोड़ी क्योंकि बहुत बथेरी न्यूज होती है यार कुछ तो छूटेगा लेट मी नो द कॉमेंट्स डॉन बिलो मेरे क्रिसमस टू यू ऑल एंड पीस आउट